हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V30 डिवाइस के अंदर आप एक्सटेंडेड रैम इनेबल कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फोन में एक्सटेंडेड रैम इनेबल कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक्सटेंडेड रैम होता है काल्पनिक रैम के साथ रैम को जोड़ सकते हैं। आपके फोन में कुछ एक्स्ट्रा रैम होते हैं, उसको आप अपने रैम के साथ जोड़ सकते हैं और अपने रैम को बढ़ा सकते हैं। जो आपका रैम है 8 GB है, तो आपका जो रैम है वो 8 GB एक्स्ट्रा होगा, तो वो मिलकर 16 GB हो जाएगा। तो जो आपका फोन है वो और भी पावरफुल हो जाएगा। आपको अपने फोन को यूज करने में काफी अच्छा लगेगा। जब आपका फोन और भी पावरफुल हो जाएगा, तो आप अपने फोन को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपका जो फोन है हैंग नहीं करेगा और किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपके फोन में नहीं आएगा। तो आप अपने फोन में एक्स्ट्रा रैम कैसे अपने रैम के साथ जोड़ेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रैम एंड स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है रैम एंड स्टोरेज स्पेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पे। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रैम और यहाँ पे जो आपका मेमोरी है यहाँ पे आ रहा है मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं मैनेज स्टोरेज यहाँ पे आ रहा है और कितना आपका जो मेमोरी है खाली है, कितना आपका मेमोरी यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रहा। तो यहाँ पे आपको मिलता है रैम का ऑप्शन, तो आपको रैम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रैम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका रैम है और कितना रैम यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी हमारे फोन में 3 GB रैम यहाँ पे यूज हो रहा है और नीचे हमारे फोन में 8 GB रैम यहाँ पे है, तो अभी बाकी खाली है 5 GB और बाकी जो है 3 GB यहाँ पे यूज हो रहा है। नीचे आपको मिलता है एक्सटेंडेड रैम। दोस्तों, जो एक्सटेंडेड रैम है आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा और कितना जीबी एक्सटेंडेड रैम आपके फोन में है, ये चीज आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी मारते आप फोन में आप देख रहे हैं 4 GB रैम है, आपके फोन में हो सकता है 8 GB हो सकता है क्या आपके फोन में 8 GB रैम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 GB रैम आपको यहाँ पे मिलेगा। आप उसको अपने रैम के साथ जोड़ेंगे, जो आपका रैम है 8+8 हो जाएगा, तो आपका जो रैम है वो 16 GB हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं हमारे फोन में यहाँ पे ऊपर में 8 GB रैम यहाँ पे आ रहा, लेकिन यहाँ पे कोई प्लस का ऑप्शन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब हमारा एक्सटेंडेड रैम इनेबल हो जाएगा तो जाके यहाँ पे प्लस करके आ जाएगा, 8+8 GB रैम यहाँ पे हो जाएगा और जो रैम है हमारा दोनों मिलकर 16 GB रैम हो जाएंगे। तो आपको अपने रैम के साथ में जो आपका एक्स्ट्रा रैम है उसको जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, तो आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आता है, तो आपको अपने फोन को रीस्टार्ट नाउ कर देना है। जैसे आप अपने फोन को रीस्टार्ट नाउ करेंगे, तो जो आपका रैम है आपके रैम के साथ जुड़ जाएगा और जो आपका रैम है वो 16 GB हो जाएगा और आपका जो फोन है और भी पावरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फोन में एक्सटेंडेड रैम इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।